अगर मेरे को टी कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर मीन बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एच है हिल्बर्ट स्पेस और टी साडे कोई ऑपरेटर है, तो आइगन वैल्यू किनू कहते हैं? ए स्केलर लैम्डा। सो याद रखना आइगन वैल्यू स्केलर होगा, इस सेट टू बी आइगन वैल्यूज ऑफ टी, टी दी आइगन वैल्यू इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू एच सच दैट इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो लैम्डे नु असी आइगन वैल्यू कहांगे और एक्स नु आइगन वेक्टर, एक हो गया आइगन वैल्यू, दूसरा हो गया आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू का दूसरा नाम करैक्टरिस्टिक वैल्यूज और तीजा नाम प्रॉपर वैल्यूज। इधर आइगन वेक्टर का दूसरा नाम करैक्टरिस्टिक वेक्टर और तीजा नाम प्रॉपर वेक्टर्स। सो ये साडे कोल डेफिनेशन हो गई आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। सो पूरा चैप्टर एदे ते बेस्ड है, सिर्फ एक डेफिनेशन दे उत्ते बेस्ड है। उस तो बाद जेडे असि आइगन वैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो दैट आर एसोसिएट टू ए यूनिक आइगन वैल्यूज, मतलब आइगन वैक्टर जेड़ा इट इज ए यूनिकली एसोसिएट विद ए आइगन वैल्यूज। तो किदा चेक करांगे, किदा प्रूव करांगे? मान लो इस एक्स साडे कोल नॉन जीरो वैक्टर दे दो आइगन वैल्यूज हो जाती, एक हो जाती लैमडा, दूसरी हो गई म्यू। तो बाय डेफिनेशन असी लिख सकते टी एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स एंड टी एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स। बाय डेफिनेशन एदा मतलब लैमडा एक्स ते म्यू एक्स साडे कोल सेम हो गए और एदा मतलब लैमडा माइनस म्यू इंटू एक्स किदे बराबर आ गया? जीरो दे बराबर आ गया। सो इट इंप्लाइज लैमडा माइनस म्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स वेक्टर नॉन जीरो है। और इट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू म्यू दे बराबर। तो असी दो आइगन वैल्यूज लईयां सी और दोनों आपस च बराबर हो गई हैं। इट मीन्स आइगन वैक्टर यूनिकली एसोसिएट विद द आइगन वैल्यूज, ठीक है? तो ये यूनिकली एसोसिएट होएगा, ये नहीं है कि एक्स दियां दो आइगन वैल्यूज हो जाए ना, एक्स की एक ही आइगन वैल्यूज होगी और वो आइगन वैल्यूज जेडी साडे कोल उहदे बारे आपां जानदे। उस तो बाद मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जिहदे विच कुछ टर्म्स आईयां, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन, ठीक है जी? ये असी ऑलरेडी जिहड़ी वैक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर अलजेब्रे दे विच पढ़िया होया है। सो इस जिहड़ी बेसिक्स नूं थोड़ा जिहा गो थ्रू हो जाना और मैं जिथे जिथे लोड पैनी है उन्होंने ये विच यूज करते जाना, पर तुसी जिहड़ा गो थ्रू हो जाना। तो आपां मेन स्पैक्ट्रल थ्योरी दे उत्ते ही कंसंट्रेट करते। सो व्हाट इज ए स्पैक्ट्रम? दो साडे कोल डेफिनेशन आ जानी, एक आनी स्पैक्ट्रम और दूजी आनी साडे कोल, एक आ गया स्पैक्ट्रम और दूजी असी चलो बाद च डिस्कस करते, पहले स्पैक्ट्रम की गल करते। सो सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी इज कॉल्ड ए स्पैक्ट्रम, उन्होंने आप सिग्मा ऑफ टी नाल ऑपरेट करा, लिखा सिग्मा टी स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम की है सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर टी। टी की है
operator on Hilbert space H. H साडे कोल finite dimensional जिहड़ी space है, Hilbert space है. So sigma t दे विच की आ गया आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यू की होंगे स्केलर्स. सो लैम्डा बिलोंग्स टू सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नो सच दैट टी एक्स माइनस इक्वल टू लैम्डा एक्स. दिस वैल्यूज टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स. तो स्पेक्ट्रम नू समझन तो फाइनाइट डायमेंशनल दे विच समझन तो पहला साडे कोल सानू पता अगर टी ऑपरेटर कोई भी सिंगुलर हुंदा, टी ऑपरेटर सिंगुलर हुंदा, इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है जी. तो ये साडे कोल एच अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है सो दैट इज इन आपां जिहड़ा हुण काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिलबर्ट स्पेस साडे कोल फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस तो उस केस दे विच अगर टी साडे कोल सिंगुलर है इफ एंड ओनली इफ दिस सैटिस्फाई दिस कंडीशन. तो अगर मैं इस ऑपरेटर नु देखा तो टी एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो हो गया. इट इम्प्लाइज विच इज इट टी माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स वैक्टर जीरो के बराबर आ गया. सो इट इम्प्लाइज साढ़े को आ गया दिस टी ए ना रख लिया टी लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो दिस वैल्यूज आ गया और टी लैम्डा साढ़े को आ गया टी माइनस लैम्डा आई आ गया दिस वैल्यूज. तो दिस वैल्यू अगर फाइनाइट डायमेंशनल च काम कर रहे हैं तो साढ़े को टी लैम्डा किदा का ऑपरेटर हो गया सिंगुलर ऑपरेटर हो गया फाइनाइट डायमेंशन च गल कर रहे हैं. तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या बन गई. हुण स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन बन गई सिग्मा ऑफ टी विच इज सेट ऑफ ऑल लैम्डा सच दैट टी माइनस लैम्डा आई ये किदा का आ गया सिंगुलर हो गया. टी माइनस लैम्डा आई सिंगुलर हो गया और जा एदी जगह ते तुसी टी लैम्डा भी यूज कर सकते. हुण याद रखने का तरीका की क्योंकि थोड़ी जी एच कन्फ्यूजन पै रही. एस फॉर सिगमा एस फॉर सिंगुलर. ठीक है जी. तो एस फॉर स्पेक्ट्रम तो साढ़े को ट्रिपल एस आ गया. ट्रिपल एस मीन एक एस नाल स्पेक्ट्रम दूजे नाल सिगमा और तीजा साढ़े को आ गया सिंगुलर. तो स्पेक्ट्रम दी डेफिनेशन आ गई सिगमा स्पेक्ट्रम दे सिंगुलर जदों साडे कोल ऑपरेटर सिंगुलर हो. बट दिस इज इन ए एच विच इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस या फाइनाइट डायमेंशनल हिलबर्ट स्पेस. सो ये असी जिहड़ा पढ़िया होया तो फाइनाइट डायमेंशनल दे विच साडे कोल ए कंडीशन आ जाती है और ओहदे मुताबक असी इहनू जिहड़ा ओह कर. सो इस थ्योरम नू अगर मैं प्रूफ करना चाहवां तो पहला मैं पूरी स्टेटमेंट लिखदा फिर मैं ओहदा प्रूफ करदा. सो पहला आपां इहदी स्टेटमेंट लिख लईए. सो स्टेटमेंट है एन ऑपरेटर जिहड़ी थ्योरम असीं यूज कीती टी ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल हिलबर्ट स्पेस स्पेस एच. ठीक है जी. ये याद रखना एच टी साडे कोल फाइनाइट डायमेंशनल ते ऑपरेटर है और दिस ऑपरेटर इज सिंगुलर
singular if and only if. If and only if there exists a non-zero vector in H such that phi x is equal to 0. There exists a non-zero vector जो आप पे use किया such that phi x equal to 0. ठीक है जी. So ये मैं इस theorem नो use किया और इस theorem में prove कर. So ये जड़ी theory आपका कर रहे हैं finite dimensional Hilbert space देते हैं उस तो बाद infinite जी भी कराते. So first आपका goal proof of this theorem. So this part is given, मान लो कि साडे कोल this part is given कि कोई ना कोई नॉन जीरो वेक्टर है जेड़ा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे. सो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू एच सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो एदा मतलब ये की कह रहा है, ये कह रहा है कि टी एक्स की वैल्यू जीरो है फॉर सम एक्स नॉन जीरो वेक्टर्स जेड़ा एच नु बिलोंग करता है. ठीक है जी. सो व्हाट इट मींस टी एक्स और इन के लिख लिया टी जीरो और एक्स जीरो के बराबर नहीं है, यानी एक्स डिस्टिंक्ट है पर उन्होंने इमेज सेम हो गए. एक्स डिस्टिंक्ट है पर उन्होंने इमेज सेम हो गया. सो एदा मतलब जेड़ा टी है ये वन वन नहीं होया, इज नॉट वन वन, नॉट वन वन. जे वन वन नहीं है तो नॉन सिंगुलर नहीं होएगा. सो टी इज नॉट नॉन सिंगुलर, जब सीधा कह लवेंगे टी इज सिंगुलर. सो इट विच प्रूव अवर रिजल्ट. सो साडे कोल ऑपरेटर टी सिंगुलर असी प्रूव करता इन द फर्स्ट पार्ट. हुण आपां कनवर्स पार्ट वल चलिए. कनवर्स पार्ट सो कनवर्स दे विच सानू टी सिंगुलर दिता है. मान लो दिस सी इज ए सिंगुलर ऑपरेटर मतलब नॉन इनवर्टिबल सिंगुलर ऑपरेटर. ठीक है जी. सो असी प्रूव की करना, असी प्रूव करना देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर सच दैट एक्स इक्वल टू जीरो. सो वी विल प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन. मान लो सपोज देयर एग्जिस्ट नो नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट टी एक्स इक्वल टू जी. मतलब एदा, एदा मतलब अगर टी एक्स वैक्टर जीरो दे बराबर है तो एक्स वैक्टर भी जीरो दे बराबर होएगा. ठीक है ना. ये आपा सानू गिवन पार्ट दिता. तो असी प्रूव की करना, असी प्रूव करना सिंगुलर लिया तो कंट्राडिक्शन असी लगा दी. सो कंट्राडिक्शन लगाने लई साडे कोल आई टेक टू वैक्टर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एच सच दैट टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू. असी वन वन प्रूव करने जा रहे हैं. अगर टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू सो सिंस टी इज ऑपरेटर तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो बाय गिवन कंडीशन एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो. सो इट इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू. सो इट इम्प्लाइज दिस टी इज वन वन.
थ्री इज वन वन, ठीक है जी। सो वन वन हो गया, और क्योंकि डायमेंशन ऑफ एच साढ़े को फाइनाइट दिखती है, तो टी आल्सो टी इज आल्सो ऑन ऑन टू भी हो जाएगा, वन वन भी हो गया, सो इट मीन्स टी इज इनवर्टेबल, सो टी साढ़े को इनवर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इनवर्टे मीन्स टी इज नॉन सिंगुलर, सो विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि टी सानू सिंगुलर दिता, सो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों, सिंस टी इज सिंगुलर, क्योंकि टी सानू सिंगुलर दिता है, सो विच इज कंट्राडिक्शन। तो साड़ी सपोजिशन रोंग हो गई, जो सी मान रहे सी, अगर रोंग हो गई, सो व्हाट वी गेट देयर एग्जिस्ट साडे कोल सम नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू एच सच दैट टी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो विच प्रूव अवर थ्योरम। सो रिमेंबर दैट अगर एच दी डायमेंशन फाइनाइट है तो टी सिंगुलर होएगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो टी साडे कोल सिंगुलर हो जाता, ठीक है जी। सो ये थ्योरम आपां स्पेक्ट्रम दे विच यूज कीते, तो स्पेक्ट्रम नू अपने माइंड च याद रखना कि स्पेक्ट्रम दे विच साडे कोल ट्रिपल एस यूज हुंदे आ, ट्रिपल एस मीन सिग्मा स्पेक्ट्रम ते सिंगुलर। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट द नेक्स्ट रिजल्ट जेडे कि असी यूज करने आ जिहदे विच स्पेक्ट्रल थ्योरम च, सो इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट, अगर टी मैनू दिता सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑन एच, एच की है हिल्बर्ट स्पेस, तो असी फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना, देन एवरी आइगन वैल्यू ऑफ टी इज जीरो इफ टी इज पॉजिटिव या स्ट्रिक्ट पॉजिटिव, ठीक है। सो देन एवरी आइगन वैल्यू ऑफ टी इज रियल, चलो पहले इन्नी गल नू समझो, ठीक है जी। सॉल्यूशंस या प्रूफ, फर्स्ट टी सेल्फ एडजॉइंट है, तो टी स्टार और टी साडे कोल बराबर हो गए, असी आइगन वैल्यू की गल करनी है, तो अगर मेरे को लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ टी है, so by definition there exists some non-zero vector in H such that Tx is equal to lambda H, this value is up, so asi a the values find out kar, on T sanu self jada ditta hai wo kidda ditta self adjoint, so what is Tx comma x, this values are given, tx the value put kar do, lambda x comma x, this values are given, and this can be written as lambda bar inner product x comma x, so what is this, it is a lambda norm of x the whole square, so this I write it as equation number 1। टी दी गल करिए, और टी सानू पता है दिस सेल्फ एडजॉइंट होने करके, सो दिस इज ए रियल पार्ट, रियल पार्ट कदों होंदा जदों इहदा कंजुगेट इटसेल्फ दे बराबर आ जाए, चेक कर लेते, सो आई राइट टी एक्स
comma x the conjugate. So this can be written as x t star x फिर कंजुगेट t star x की वैल्यू पुट कर दियो x comma tx फिर कंजुगेट कंजुगेट खत्म कर दीजिए तो t x comma x this values are. So it implies this inner product t x comma x is a real number हो गया एक कंप्लेक्स नहीं है रियल नंबर हो गया सो This part is a real part. Norm of x square is a real part. So what will lambda? So lambda v sathe ko real number ho jayega. So it implies kyunki dono real number ho gaye. So lambda v real number ban jayega. To apna yaad ki rakhna. Apna yaad rakhna ki agar mere ko t self adjoint da तो ओदी आइगन वैल्यू हमेशा रियल रहेगी ये याद है इहदे नाल ही सेकंड पार्ट अगर मेरे को टी पॉजिटिव ऑपरेटर है तो आइगन वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी अगर टी नेगेटिव है तो आइगन वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी सो अपा अगर टी पॉजिटिव है तो एदी जड़ी आइगन value of t है a भी positive हो जाएगा करिए proof किदा करांगे अगर t positive है तो by definition t x comma x greater than equal to 0 for every x belongs to h यही होता जा इन दूजी भाषा च इदा भी लिख सकते capital T greater than equal to 0 greater तो अपां हुणे प्रूफ करके हटे हैं कि साडे को लैम्डा नॉर्म ऑफ x स्क्वायर दी वैल्यूज किदे बराबर आंदी है टी एक्स कॉमा एक्स दे बराबर आंदी है सो व्हाट इज दिस इट इज अ पॉजिटिव तो ए नंबर तो पॉजिटिव है ही है सो फ्रॉम दिस लैम्डा इज पॉजिटिव मतलब कि आइगन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव ऑपरेटर इज पॉजिटिव सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस रिजल्ट उस तो बाद मैं अगली थ्योरम दी स्टेटमेंट दी गल कर लेना अगली थ्योरम दी स्टेटमेंट है अगर मेरे को टी यूनिटरी ऑपरेटर है इफ टी इज यूनिटरी operator on a Hilbert space H Hilbert space H अगर T unitary operator on a Hilbert space H है तो असी प्रूव की करना then every eigen value of t kitna nahi hogi eigen value of t has absolute value 1 yani ja plus hoega ja minus 1 absolute value 1 theek hai ji ye apna agla result aa gaya so agar definition clear aa to zyada ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੀ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋ ਯੂਨਿਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਟੀ ਟੀ ਸਟਾਰ ਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਡਿਟਿਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਲਸੋ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਯੂਜ ਕਰ ਲੂਗਾ ਨੋਰਮ ਆਫ dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੋਰਮ ਆਫ h ਫਾਰ ਐਵਰੀ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ h ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਲੈਟ ਲੈਮਡਾ
आइगन वैल्यू ऑफ टी. बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो वेक्टर इन एच सच दैट टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. ये मैं बार बार कहां लिख रहा हूं ताकि तुहानू भी याद हो जाए डेफिनेशन. नाउ फ्रॉम दिस असी प्रूव की करना, असी प्रूव करना कि टी एक्स लैम्डा एक्स साढ़े को आ गया, लैम्डे की जी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है जी. सो अगर साढ़े को वैल्यूज आ गई तो असी हमने प्रूव किया कि अगर नॉर्म ऑफ एक्स स्केयर तो नॉर्म ऑफ टी एक्स स्केयर एदी वैल्यू सेम हो जाएगी. Then it implies tx, tx value put कर दियो lambda x, पहले जो lambda निकलिया दूजे जो conjugate lambda into lambda conjugate x, x. So this value is modulus of this norm of x the whole square. ठीक है जी. एक्स नॉन जीरो आता तो आ कैंसल हो गए. सो व्हाट वी गेट मॉडुलस ऑफ लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू 1. सो इट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो दूजा स्टेप याद रखना कि जेड़ा साडे को लैम्डा है एदी वैल्यूज कितना नहीं होएगी या प्लस 1 या माइनस 1. देखो अगर ता लैम्डा सेल्फ एडजॉइंट सी तो ओदी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल नंबर आन गिया. एक गल अगर ताडे कोल ऑपरेटर यूनिटरी हो गया तो ओदी आइगन वैल्यूज सिर्फ दो पॉसिबल आ. केड़ी केड़ी? एक है साडे कोल प्लस 1, दूजी है माइनस 1. सो थर्ड थ्योरम आ गई. व्हाट इज द statement of third theorem? So statement is if t is given ditta ja ta t self adjoint hove ja unitary hove. theek hai. aur dono case cha eigen value real number honi hai. ja ta सेल्फ एडजॉइंट या यूनिटरी ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच. एच नो हिल्बर्ट स्पेस मान के चलिए. तो असी प्रूव की करना देन आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर ठीक है जी, कॉरस्पोंडिंग टू कॉरस corresponding to distinct eigenvalues value are orthogonal. To sade kol odiyan eigen vector corresponding to this sade kol ऑर्थोगोनल हो जाते हैं. ठीक है. ए असी प्रूव करना दोनों केस च, सेल्फ एडजॉइंट च भी ते यूनिटरी च अलग अलग करके. सॉल्यूशन जा प्रूफ मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये दोनों डिस्टिंक्ट हो गए. बी 2 distinct eigen value of t. तो ये दोनों दे अलग अलग आइगन वैक्टर होंगे. सो देयर एग्जिस्ट x1 नॉन जीरो एंड x2 नॉन जीरो इन h such that
dx1 is equal to lambda 1 x1, or dx2, which is equal to lambda 2 x2. ये सारो गिवन है. प्रूव की करना सी x1 ते x2 आपस च ऑर्थोगोनल होंगे. और केड़े केड़े केस च साडे कोल एक केस साडे कोल सेल्फ एडजॉइंट, दूजा साडे कोल यूनिटरी. पहला मैं केस लिया इफ t इज सेल्फ एडजॉइंट, एडजॉइंट ले तो सानू इन्ना ता क्लियर हो गया कि लैम्डा वन लैम्डा टू ये रियल नंबर है. ये बारे तो कोई दो राय नहीं. दूजे च प्लस माइनस वन होना, ये रियल नंबर है लैम्डा वन भी ते लैम्डा टू. सेल्फ एडजॉइंट देता, सेल्फ एडजॉइंट की दूजी डेफिनेशन टी स्टार ते टी बराबर होते हैं. बार बार इन्हों मैं लिख रहा t star equal to t. हम orthogonal प्रूव करना. सो मैं lambda 1 नो x1 comma x2 inner product ना multiply कीता, lambda 1 अंदर चला गया और this is this values, value substitute करिए t नो इधर shift कीता, this value is x1 t star 2 x2. So, ये दी values आ गई. This is क्योंकि self adjoint था, x1 dx2 आ गया. So, this value is x1 lambda 2 x2. ये आ गया lambda 2 conjugate x1 x2. हम देखो lambda 2 की है real number, तो conjugate किधर बराबर आ गया x1 x2 का inner product. So साड़ी को वो द inner product बन गया. This values अगर साड़ी को ये values बन गई, so वो द according साड़ी को की आ जाएगा this values आ गए साड़े को. So this can be written as जेड़ी साड़े को इन्हों पहला मैं खत्म करा. So this can be written as lambda 1 minus lambda 2 inner product x1 x2 equal to 0. So it implies inner product x1 x2 equal to 0. क्यों? क्योंकि lambda 1 lambda 2 distinct है, इधर 0 नहीं हो सकते. So it implies this vector is orthogonal to x2. तो मेरा first part जिधे विच t unitary सी असी prove करता कि उधर आइगन वेक्टर साड़े को ऑर्थोगोनल हो जाने के टी सेल्फ एडजॉइंट सी, तो असी प्रूव करता उधर आइगन वेक्टर साड़े को ऑर्थोगोनल हो जाने के. उन अपन दूसरा केस ले, मान लो टी साड़े को है यूनिटरी, तो इस केस दे जो भी आइगन वैल्यू रियली है एक प्लस वन ना दूसरा माइनस वन ना. ठीक, तो यूनिटरी दी डेफिनेशन दे मुताबिक t स्टार इज इक्वल टू t स्टार t आइडेंटिटी दे बराबर आ गया. हम देखिए दी वैल्यूज. सो आई टेक्स अगेन x1 इनर प्रोडक्ट x2 दिस वैल्यूज, तो इन्हो लिख सकता मैं I x1 and x2. I दी वैल्यू पुट कर दियो t star t x1
एंड एक्स टू टी स्टार दूजे पासे शिफ्ट कर दियो टी एक्स वन टी एक्स टू दिस इनर प्रोडक्ट सो वैल्यू पुट कर दियो वैल्यू पुट की लैमडा वन एक्स वन दूजे पासे लैमडा टू एक्स टू और वैल्यू बार पहले तो लैमडा वन आएगा दूजे तो लैमडा टू कंजुगेट आएगा इनर प्रोडक्ट एक्स वन एंड एक्स टू दिस वैल्यू सारे ठीक है जी सो सानू पता एदी वैल्यूज रियल नंबर होनी है तो रियल नंबर है अगर एदी वैल्यूज रियल नंबर है सो सिंस दिस लैमडा वन लैमडा टू कंजुगेट दिस वैल्यू ए साढ़े को एक वैल्यूज कंजुगेट आ गई दूजी साढ़े को उस फॉर्म च आ गई सो दिस इज ए नॉन जीरो नॉट इक्वल टू वन सो दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट एक्स वन कॉमा एक्स टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा इट इम्प्लाइज एक्स वन इज परपेंडिकुलर टू एक्स टू तो इस केस दे विच भी आइगन वैक्टर साढ़े को इस तरह के बनते हैं।